सरहदी इलाके में सड़कों के हो रहे तामीरतों से लोगों को मिल रहा रोजगार। ऑर्गेनिक फार्मिंग से हो रही अच्छी पैदावार, अच्छा मुनाफा कमा रहे काश्तकार। और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत हो रही वाटरशेड की तामीर, लोगों को मिल रहा रोजगार। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं सरहदी इलाके में तरक्याती मनसूबे को अमलीजामा पहनाए जाने की। सरहदी इलाके की तस्वीर बदले, वहां के बाशिंदों को रोजगार मुहैया हो और उनकी सहूलियात में इजाफा दर्ज हो, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस समत में बारामूला जिले के सरहदी इलाके के मुश्किल जोग्राफियाई बनावट वाले इलाके में सड़कों की तामीर तौसी को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन के बाद अब मुल्क अनलॉक हो रहा है और इसके बीच इस तरह के तरक्याती सरगर्मियों को बढ़ाने की मजीद दरकार भी है। तरक्याती सरगर्मियों के हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मुश्किल जोग्राफियाई बनावट और पहाड़ी सिलसिले वाला ये इलाका बारामूला जिले में वाकई है और सरहद से मुंसलिक है। इस सरहदी इलाके को हमेशा से ही पाकिस्तान जंग बंदी मुहिदे की खिलाफ वर्जी का निशाना बनाता रहा है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें आसान करने और सहूलियात बढ़ाने की समत में तमाम तरह के इकदाम किए जाते हैं। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन के दरमियान बंद पड़े तरक्याती मनसूबों को एक बार फिर से अमली जामा पहनाया जाने लगा है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बड़ी कोशिश की है कि भाई हम लोगों को कोशिश करें कि ये बेरोजगार लोग हैं, इनको रोजगार दें, चाहे वो नरेगा के थ्रू हो, चाहे 14FC के थ्रू हो, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को मतलब रोजगार दें ताकि इनका अपने बाल बच्चे को पाल सकें। और तामीर और तरक्की के जो हमारे रास्ते हैं, रोड हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो उनको हम बनाने में सूरत लाएँ, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले के सरहदी इलाके उड़ी और बेनियार ब्लॉक में तरक्याती सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इन इलाकों में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से सड़कों की तामीर को यकीनी बनाया जा रहा है। इससे इस मुश्किल जोग्राफियाई बनावट वाले इलाके के लोगों की आवाजाही आसान तो होगी ही, साथ ही महीनों से तरक्याती सरगर्मियों के बंद होने से जिन मजदूरों के पास रोजगार नहीं था, उन्हें रोजगार मुहैया हो रहा है। इस तरह के इकदामात से मजदूरी करने वाले लोगों को कुदरती तौर पर बड़ी राहत मिलने लगी है। लोग बहुत खुश हुए हैं और चाहते हैं कि ये हमें एमजी नरेगा के बहुत से काम दिए जाएं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ हिली साइड है, यहाँ कामों की बहुत जरूरत है। किसी जगह रास्ता नहीं, किसी जगह कूल नहीं। बहुत ही मेहरबानी होगी गवर्नमेंट की कि लोग इतने खुश हैं, ये दो तीन काम हमें, चार काम आए हैं, हमें ये कम से कम 100 काम होना चाहिए। लोग इतने खुश हुए सरकार पर। कोरोना वायरस का खतरा कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा हुकूमत ने बाकायदा इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक कामकाज के दरमियान लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि तरक्याती मंसूबे भी पूरे हों, लोगों को रोजगार भी मुहैया हों और साथ ही कोरोना वायरस के खतरे से भी वो खुद को महफूज रख सकें। इसके तई लोगों में बेदारी है और यहाँ पर भी वो इन बातों का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। हमारा मेन फोकस है इस वक्त प्रोग्रामों का कि हम उन लोगों को रोजगार दें जो बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं, उनके लिए हम वो चीज़ें रोजगार मुहैया करेंगे। इसलिए हमारा हर एक स्कीम का यही मकसद है कि हम किस तरह लोगों को इन दिनों में जो महामारी चल रही है, इनको रोजगार दें। मुल्क के आखिरी छोर के इलाकों तक आवाजाही की सहूलियात को बेहतर बनाना, वहां की तरक्की को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसके लिए कई तरह के मंसूबे बनाए गए हैं और उन पर अमल भी किया जा रहा है। सरहदी इलाके में सड़कों की हो रही तामीर और तौसी इसकी तस्दीक है। सहूलियात में इजाफे के साथ रोजगार के मौके पैदा करने में तरक्याती मंसूबों को अमली जमा पहनाए जाने की कुदरती तौर पर दरकार है। इसी से इन इलाके में रहने वाले लोगों की तर्ज जिंदगी में भी सुधार दर्ज होगा। और अब बात करते हैं काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाने की समत में किए जाने वाले इकदाम की।
जमीनी पैदावार अच्छी होगी तभी काश्तकारों का मुनाफा बढ़ेगा। ये तभी मुमकिन है जब इस समत में नए नए तजुर्बे पर काश्तकार अमल करेंगे। माहिरीन के मुताबिक खेतीबाड़ी करेंगे काश्तकार, खेतीबाड़ी के उन तरीकों को अपनाएं और उसके फायदे से मुतमईन हो, इसके लिए गांधरबल जिले के महकमा जायरात की जानिब से एक गांव को ऑर्गेनिक वेजिटेबल विलेज के तौर पर तैयार किया गया है। सैकड़ों की तादाद में काश्तकारों को इसमें शामिल किया गया है और ये तरीका उन्हें बेदार बनाने में असरदार साबित हो रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले के शलाबुग गांव की है। महकमा ज़िराअत की जानिब से इस गांव को ऑर्गेनिक वेजिटेबल विलेज के तौर पर तैयार किया गया है। काश्तकारी के शोबे में नई और बेहतर तब्दीली लाने की समत में ये अहम कदम है। यहाँ पर क्रॉप रोटेशन, कैंपेनियन प्लांटिंग, मिक्स क्रॉपिंग और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल जैसी तकनीक के फलसफे पर अमल करने को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। इसके लिए बाकायदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 153 फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज को इस प्रोग्राम में शामिल किया है। ये महकमा है, ये बार बार यहाँ आकर हर खेत में जाता है और ये देखता है कि जगह कैसी है और किसी बीमारी का शिकार होता है उसका दवाई ये बोलता है, हम वो करते हैं इंशाल्लाह। 2017 में विलेज यहाँ बना, इन्होंने बनाया ऑर्गेनिक विलेज दिया इन्होंने। इन 3 सालों में मेरे ख्याल में हम कम से कम दुगना से ज़्यादा पैदावार हासिल करता है। तमाम रिसर्च से ये बात साफ हो चुकी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हर लिहाज से फायदेमंद है। इससे एक तो पैदावार अच्छी होती है, साथ ही जमीन भी लंबे वक्त तक जरखेज बनी रहती है। वो इसलिए कि वो पूरी तरह से केमिकल फ्री होती है। इसके अलावा इसे खुद से तैयार किया जाता है और इसकी मदद से फार्मिंग में लागत कम आती है। अच्छी पैदावार और लागत कम आने से काश्तकारों को कुदरती तौर पर अच्छा मुनाफा हासिल होता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो काश्तकारों के मुनाफे को दुगना करने का हदफ रखा है, उसे हासिल करने में काश्तकारी का ये तरीका कारगर साबित हो रहा है। पहले तो हम खेती बाड़ी करते थे यहाँ पर, लेकिन इतनी अच्छी उस टाइम होती नहीं थी। हमारा फसल जो होता था वो कमज़ोर होता था, उसमें कीड़े पड़ते थे। लेकिन 2017 से लगभग यहाँ एग्रीकल्चर वालों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था ऑर्गेनिक विलेज का, उससे हमें आज मुतमईन है हम इंशाल्लाह। महकमाए ज़िराअत की ये नायाब कोशिश है काश्तकारों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे से रूबरू कराने में, ये कदम बेहद ही असरदार साबित हो रहा है। मुतालिका महकमे के माहिरीन का तावुन मिलने और तमाम तरह की सहूलियात के बहाल होने से ये गांव अब ऑर्गेनिक वेजिटेबल विलेज के तौर पर अपनी एक अलग शिनाख्त कायम कर चुका है। यहां पर पैदा की जा रही सब्जियों की मांग बढ़ रही है और इससे काश्तकारों के हौसले बुलंद हैं। दूसरे इलाके के काश्तकारों में भी इसके तई बेदारी पैदा हो रही है। हमने 2017 में ये एक स्कीम लॉन्च की यहाँ पर, तो ये क्लस्टर जो है ना, ऑर्गेनिक क्लस्टर, ये इसका नाम ही है ऑर्गेनिक क्लस्टर पति शालबुग। तो इसमें हमने एज ऑन डेट जो उस वक्त हमने रजिस्ट्रेशन की 75 हेक्टेयर लैंड हमने डिमार्केट किया ऑलमोस्ट। तो ऐसा है कि एज ऑन डेट वेजिटेबल जो क्रॉप लगा है वो 43 हेक्टेयर पर लगा है। तो इसमें जितने भी इंटरवेंशनस हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं, उसमें पूरा ये ऑर्गेनिक कल्चर है। काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इससे जमीनी पैदावार को बढ़ाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही काश्तकारी को मुनाफे में तब्दील करने में भी मदद मिलेगी। दीगर बात ये है कि मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी काश्तकारी पर मुनहसर है, इस लिहाज से भी काश्तकारी को फायदेमंद बनाने की समत में नए नए तजर्बे पर अमल करने की जरूरत है। इसी से बेहतर पैदावार के हदफ को हासिल करने के साथ साथ काश्तकारों के मुनाफे को भी दुगना करने के हदफ को हासिल किया जा सकेगा। और अब बात करते हैं कश्मीर में एग्रीकल्चर लैंड को तहफ्फुज़ अदा करने के लिए लोगों को बेदार बनाने की समत में वर्कशॉप के अहतमाम की।
मुल्क के दूसरे हिस्से की तरह कश्मीर की बड़ी आबादी भी काश्तकारी पर मुनहसिर है। ऐसे में एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली जमीन का रकबा कम होना तश्वीशनाक है। किस तरह से उसे गैर जरूरी इस्तेमाल में होने से रोका जाए, किस तरह से छोटी सी जमीन का इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि उसका मल्टीपर्पज यूज हो सके, किस तरह की तरकीब इसमें साबित हो सकती है कारगर, इसी से मुतालिक जानकारियों से लैस करने के मकसद से गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में एक वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जल, जंगल और जमीन को तहफुज अदा करना जरूरी है। जमीन एक रकबा है, उसी रकबे में जमीनी पैदावार की जरूरतों को भी पूरा करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खेती बाड़ी से जुड़ी जमीनों का रकबा कम होता जा रहा है और ये तश्वीशनाक पहलू है। खेती बाड़ी के हिस्से वाली जमीन का इस्तेमाल गैर जरूरी कामों के लिए ना हो, इसका ख्याल रखा जाना बेहद ही जरूरी है। इसके लिए किन किन पहलुओं पर गौर करना लाजमी है, इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों लैंड कन्वर्जन फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज इन कश्मीर पर एक वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। इस सेमिनार का मुनक्कद कराना ही इस बात के गवाही देता है कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। ये एक हकीकत है कि जितनी ज़मीन हमारे पास है, हमारे जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं या आने वाले नस्लों की ज़रूरत हैं या एक वेलफेयर स्टेट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ज़मीनी पैदावार से पूरी होने वाली ज़रूरतों को दूसरे तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता है। फिर बात चाहे मेवों की हो, सब्जियों की या फिर दूसरी ज़मीनी पैदावार की, ये हर किसी की रोज़मर्रा की ज़रूरतों में शामिल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ऐसा शोभा है जिसके साथ बड़ी आबादी वाबस्ता है, यानी ये लोगों को रोजगार फराहम करने का अहम जरिया भी है। ऐसे में एग्रीकल्चर लैंड का अगर नॉन एग्रीकल्चरल इस्तेमाल होता है तो मुस्तकबिल में किस तरह की मुश्किलें पैदा होंगी, इस पर गौर करना जरूरी हो गया है। वर्कशॉप में पावर प्रेजेंटेशन के जरिए इन पहलुओं को पेश किया गया। हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जो आबादी बढ़ने वाली आबादी है उस उनके उतने मुंह फीड करने के लिए, उनको स्टारवेशन से, उनको हंगर से बचाने के लिए, भूख से बचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी लैंड जो है कंजर्व करें। और ऐसे वर्कशॉप्स का मुनक्किद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक हम बाकी लोगों को भी अवेयर नहीं कर सकते। रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में हर बरस औसतन 1375 हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड का रकबा घटता जा रहा है। काबिले जिक्र है कि 1996 में जहां कश्मीर में 1,63,000 हेक्टेयर जमीन का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता था, वहीं साल 2012 में ये घटकर 1,41,000 हेक्टेयर में सिमट गया। कुल मिलाकर 16 वर्षों में 22,000 हेक्टेयर एग्रीकल्चर की जमीन घट गई। ये एदाद शुमार जमीनी पैदावार से जुड़े लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले हैं, लिहाजा इस बात पर तवज्जो मरकूज करना जरूरी है कि एग्रीकल्चर लैंड का इस्तेमाल गैर जरूरी कामों में ना होने पाए। मैंने अपने इन भाइयों को कहा है, अपने कलीग्स को कहा है, दैट वी हैव टू टेक दिस कैंपेन टू एवरी स्कूल, एवरी कॉलेज, एवरी सिविल सोसाइटी। हम एक कंपेन की सूरत में ये एक बेदारी लाएंगे अपने माशरे में, ताकि हम ज़मीन अपनी बचा के रखें कि और फॉर वी विल पुट इट यूज ओनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। दैट इज द मैसेज व्हाट वी हैव टू। एग्रीकल्चरल लैंड का नॉन एग्रीकल्चरल इस्तेमाल न सिर्फ फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिहाज से तश्वीशनाक है, बल्कि ये इकोसिस्टम पर भी गहरा और मनफी असर डालने वाला है। इस संप में लोगों को बेदार करने की कुदरती दौर पर दरकार है और इसी के मद्देनजर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के अलावा केरल के माहिरीन भी शरीक हुए। उन्होंने प्रेजेंटेशन के जरिए कई ऐसी तरकीब बताई जिससे एग्रीकल्चरल लैंड का नॉन एग्रीकल्चर इस्तेमाल रोका जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। कश्मीर और लद्दाख के बीच सालों भर आवाजाही को बहाल रखने के लिए जोजिला टनल के तामीर और तरक्की के काम को जल्द ही पहनाया जाएगा अमली जामा। गुज़िश्ता दिनों मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने किया इसका ऐलान।
जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुताबिक यूनियन टेरिटरी को जल्द ही सयाहों के लिए खोला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सयाहों की आमद पर लगी पाबंदी को हटाकर बंद पड़ी मुआशी सरगर्मियों को दी जाएगी रफ्तार। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड प्लानिंग रोहित कंसल ने कहा कि इस संप में जल्द ही डिटेल गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी को किया जाएगा जारी। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुज़श्ता दिनों हाई लेवल मीटिंग में इसके लिए दी है हिदायत। यूनियन टेरिटरी में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए माली मदद को मिली मंजूरी। इसके लिए बाकायदा जम्मू कश्मीर को साल 2020-21 के लिए 574.16 करोड़ रुपए के सालाना मंसूबे को दी गई है मंजूरी। और अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत जारी सरगर्मियों की। मरकजी हुकूमत के जरिए शुरू किए गए इस प्रोग्राम के जरिए आबी वसाइल के तहफ्फुज के लिए मुल्क की सतह पर बहुत सारे मंसूबों पर अमल दरामद जारी है। इस प्रोग्राम के तहत देही इलाकों को मरकज में रखकर शुरू किए गए तामीराती कामों का मकसद काश्तकारों को आबपाशी की सहूलत मुहैया कराने के साथ साथ रोजगार फराहम कराना भी है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत देही इलाकों में वाटरशेड की तामीर देही इलाकों की आवाम के लिए किस तरह से मुआविन साबित हो रही है, इसका जायजा लेती पेश है उधमपुर के इलाके से ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिले उधमपुर के तहत आने वाले इस देही इलाके को प्रोवा जागीर पंचायत हल्के के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई पर वाकई इस पंचायत हल्के में आबी वसायल की कमी यहां के आवाम के लिए हमेशा से ही एक बड़ा चैलेंज रही, लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बात हो गई है और इसमें अहम किरदार अदा किया है मरकजी हुकूमत के एक बेहद ही खास प्रोग्राम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम ने। इस प्रोग्राम के तहत यहाँ आबी जखायर को यकीनी बनाने की कोशिश की गई। इस प्रोग्राम के तहत यहाँ कई वाटरशेड की तामीर हो चुकी है और कुछ एक अभी जेरे तामीर है। इसकी तस्दीक इन तस्वीरों से भी हो जाती है जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत देही इलाके में आई तब्दीली को बयां करती हैं। तो पर्पज इसका यही था कि लोगों के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, एटलीस्ट 300 लोग रहते हैं इस गांव में, तो उन 300 लोगों के पानी की जो पीने की पानी की कमी थी वो भी पूरी हुई है। आसपास आप देख रहे हो लश्करीन एरिया है, सिंचाई का जो साधन जिसके पास मोटर है मोटर से आके यूज कर लेते हैं, ये बाकी काम उनके जो लाइफ में एक रेनोवेटिव चेंज आई है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम ने यहाँ के काश्तकारों के लिए जिस तरह की सहूलियात पैदा की हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुश्किल जोग्राफियाई सूरतेहाल के सबब यहाँ के काश्तकारों को खेतों की आपाशी के लिए कुदरत की मेहरबानी पर मुनहसर रहना पड़ता था। यहाँ होने वाली बारिश और बर्फबारी से जो पानी मिलता था वो आपाशी के काम आता था, लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत तामीर शुदा वाटरशेड काश्तकारों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। आबपाशी के अलावा इन वाटरशेड के पानी को लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही जानवरों को भी पानी आसानी से मिल पा रहा है। इधर तालाब का काम लगा है सर, तो बड़े इधर लॉकडाउन में कोई काम नहीं था, चलो गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया है जो काम दिया और बड़ा लोगों को इस पानी का फायदा हो रहा है, पानी भी फायदा भी हो रहा है और दूसरा दिहाड़ी भी लग रही है। लॉकडाउन में कोई बैले थे और ना कोई सोर्स था इनका, तो चलो इधर काम गवर्नमेंट ने लगवा दिया। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत प्रोवा जागीर पंचायत हल्के में वैसे तो कई एक वाटरशेड तामीर किए जा चुके हैं, ताहम कुछ एक अभी जेरे तामीर है। ये जेरे तामीर वाटरशेड यहाँ के मकामी लोगों को रोजगार मुहैया कराने का अहम जरिया भी साबित हो रहे हैं। काबिल जिक्र है कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर नाफिज किए गए लॉकडाउन के दौरान इस देही इलाके से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे मजदूर वापस लौट आए थे, जिनके सामने रोजगार का मसला खड़ा हो गया था, लेकिन महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत उन मजदूरों को यहाँ रोजगार मिल गया और अच्छी खासी तादाद में लोग वाटरशेड के तामीराती कामों से जुड़े हुए हैं। तो लॉकडाउन में जो लोग आ गए थे यहाँ पे, तो उनको काफी ज्यादा काम मिला है, यहाँ पे खुद का काम भी कर रहे हैं, यहाँ पे पानी उनको मिलेगा खुद पीने के लिए, जानवरों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हर एक जो काम पुराने काम जो हुए हैं उनमें भी काफी ज्यादा वो काम में आ रहे हैं।
इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम ने यहाँ के लोगों को दोहरा फायदा पहुँचाया है। वाटरशेड की तामीर के जरिए एक तरफ तो पानी के ज़खायर यकीनी बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मकामी लोगों को रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मरकजी हुकूमत ने इस फलाही प्रोग्राम के जरिए ये वाजे कर दिया है कि वो आवाम को सहूलियात मुहैया कराने के लिए न सिर्फ संजीदा है बल्कि पुरअज़्म भी है। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बात सबसे पहले करते हैं अभी हाल ही में इस दुनिया से रुखसत हो चुके अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की। मरकजी किरदार वाली फिल्म दिल बेचारा के ट्रेलर को रिलीज किया गया। कोरोना वायरस के खतरे में दर्ज हो रही कमी के बीच मुल्क के अनलॉक होने के सिलसिले के बीच ये पहली फिल्म है जिसका ट्रेलर रिलीज किया गया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलीज इस फिल्म के ट्रेलर को शायकीन की जानिब से जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, दो पंछियों की कहानी, एक आसमानों के लिए बनी थी और दूसरा पिंजरों के लिए। अभी हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह चुके अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मरकजी किरदार वाली फिल्म दिल बेचारा से पर्दा उठाते हुए उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के ट्रेलर को जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और कई सेलेब्स ने इसे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर भी शेयर किया है। जहाँ प्यार होता है वहाँ खलिश नहीं होती, और अगर खलिश हो तो समझो प्यार था ही नहीं। रोमांटिक ड्रामे पर बेस्ड है फिल्म दिल बेचारा। सुशांत सिंह राजपूत की यह आखिरी फिल्म है जिसमें वो मरकजी किरदार में हैं। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर मुल्क में नाफिज लॉकडाउन की वजह से इसका ट्रेलर रिलीज नहीं हो पाया था। ये जरूरी है। एक बार तुम चले गए थे, एक बार मैं चली जाऊंगी। मुल्क के अनलॉक होने का सिलसिला शुरू होने के बाद बॉलीवुड की ये पहली फिल्म है जिसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलीज किया गया है। फिल्म दिल बेचारा के ट्रेलर ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। काबिले जिक्र है कि फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के अलावा संजना सांघी, सैफ अली खान और स्वास्तिका मुखर्जी अहम रोल में हैं। एक हवा छू के गई अभी अभी, चांदनी पिघल गई अभी अभी, ये मुझे क्या हो गया, ये कहां मैं खो गया। और अब बात करते हैं यूलिया वंतूर के उस वीडियो की जिसमें वो जग घूमिया सॉन्ग पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलीज इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। काबिले जिक्र है कि उन्होंने ये वीडियो एक गैर सरकारी इदारे की चैरिटी के लिए बनाई है। यूलिया वंतूर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अक्सर अपनी वीडियोस अपने मद्दाहों के साथ शेयर करती रहती हैं। उनके हालिया रिलीज वीडियो पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सिंगर और एक्ट्रेस यूलिया वंतूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। अदाकार सलमान खान की दोस्त यूलिया वंतूर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में भी हमेशा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। बच्चों की मदद करने वाले गैर सरकारी इदारे को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो सलमान खान के गाने पर डांस कर रही हैं। यूलिया वंतूर सिंगिंग और एक्टिंग के अलावा डांस में भी कमाल की महारत रखती हैं। इसकी तस्दीक इस वीडियो से भी हो जाती है। इसमें वो अपने दोस्त अदाकार सलमान खान की फिल्म सुल्तान के मशहूर गाने जग घूमिया पर डांस करती नजर आ रही हैं। काबिले जिक्र है कि उन्होंने ये वीडियो महज लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए शूट नहीं करवाई है बल्कि इसका अहम मकसद एक गैर सरकारी इदारे के लिए फंड रेज करना है। छोटी सी आशा नाम के लिए शूट किए गए उनके इस डांस वीडियो को शायकीन खूब पसंद कर रहे हैं और वो इस पर अपना पॉजिटिव रिएक्शन भी दे रहे हैं। जग
और अब बात अदाकारा शिल्पा शेट्टी की करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से बहुत कुछ बदला है, लोगों के जीने का तौर तरीका बदला है, तो उनके खान पान में भी तब्दीली दर्ज हुई है। अदाकारा शिल्पा शेट्टी एक वीडियो जारी करते हुए इस बात की जानकारी दे रही हैं कि साग सब्जियां ही खाएंगी, वो लोगों से भी वेज फूड को अपनाने की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पूछो क्यों? क्योंकि वियान केम अप टू मी एंड सेड, घर के खाने से बोर हो गया हूँ मम्मा। अदाकारा शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड के बड़े पर्दे से दूर भले ही हैं, मगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वो अपने मतदाताओं से लगातार जुड़ी हुई हैं। हेल्थ को लेकर उनकी कॉन्शियसनेस जग जाहिर है और वो इससे मुतालिक वीडियो भी शेयर करती रहती हैं। उन्होंने अपने हालिया रिलीज वीडियो के जरिए लोगों को वेजिटेरियन बनने की अपील की है। कोरोना वायरस से बचने के लिए एक्सपर्ट लोगों को अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में वेज फूड अहम साबित होता है, लिहाजा लोगों को मुख्तलिफ किस्म की साग सब्जियों को खाने पर जोर दिया जा रहा है। इन्हीं पहलुओं पर गौर करते हुए अदाकारा शिल्पा शेट्टी ने एक अहम फैसला लिया है। वो बाकायदा खेत में जाकर सब्जियां तोड़ते और खाते हुए दिखाई दे रही हैं। वो साग सब्जियों के फायदे से लोगों को रूबरू कराते हुए लोगों से भी वेजिटेरियन बनने की अपील कर रही हैं। इस हफ्ते बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।